माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। सोहेल भी साधो और रजत लाल तो अजाज खान को सॉरी नहीं बोले हैं, बट यस अजाज खान कुछ लोगों को सॉरी बोल दिए हैं। यहाँ तक कि ये वीडियो उनके कंट्रोवर्सी का लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर कुछ ये बोले हैं। क्या है, मैंने कभी जिंदगी में पहले गाली गलौज नहीं किया, एक दो बार किया होगा कभी। औरतें बूढ़े बच्चे भी अपना वीडियो देखते, अभी इन लोग की तरह थोड़ी भिखारी लोग की जरा कोई फैन ही नहीं इन लोग के। अपने को तो औरतें बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं ना, फैमिली पसंद करती है। और मैं वो फैमिलियों से, वो औरतों से, वो बच्चों से, वो बूढ़ों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से, जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी। मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कुत्तों को समझाने का तरीका वही था, सॉरी मुझे माफ कर देना। ये मेरा लास्ट वीडियो है कॉन्ट्रोवर्सी पे, मेरे को गाली गलौच नहीं करना है, मेरे को सीधा इनके में दम है तो धूपे धूप लड़ लेना है, बाकी मेरे को इन लोग को फेमस नहीं करना है और ना इन लोग के साथ कोई रिश्ता रखने का अपने को। तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, इफ दे आर बैड आई एम देयर डैड। हाँ, उन लोगों का बाप हूं मैं, लेकिन अभी बस अपन लोग ये गाली गलौज ये सब वो पब्लिकली नहीं, अकेले में उनको दिखा देंगे कौन किसका बाप है क्या है। बाकी सारे कुत्तों को भोंकने दो, तुम्हारे भाई का ये लास्ट वीडियो है। इस पे जहाँ पे एक तरफ रजत दलाल ये क्लियर कर दिया कि वो अब अजाज खान को इग्नोर करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ अजाज खान भी क्लियर कर दिया कि वो भी इस कंट्रोवर्सी को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। बट रही बात राजवीर फिटनेस की, तो इन्होंने अपने स्टोरीज के अंदर 100% बोल के रखा है कि वो अजाज खान से मिलने जाएंगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर। सो अब देखते हैं कि इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है बताना कमेंट में।